Hello and welcome to BrightAavishakr. I hope, dear learner, you all are doing fantabulous fine. और आप सभी ने अभी तक part number one गंगा system का, part number two गंगा system का. Now in this part, this is part number third. आज इस part number third के अंदर जो left bank tributaries है गंगा river की, यानी जो गंगा river system को बनाती हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे. कल की लेक्चर के अंदर हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी थी, जिसके अंदर हमने एक यमुना रिवर के बारे में बात करी थी. आप सभी को एक और बात मैं आपको बता दूं कि बस ये अभी हमारे पास एक ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, जिसके बाद हमारे इंडिया के जितने भी रिवर्स होते हैं उन सभी को हम फिनिश कर देंगे. और काफ़ी हद तक ये वाला पोर्शन आपके जियोग्राफी में इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने अच्छे तरीके से अगर यूपीएससी के सिलेबस को देखा है, जेके पीएससी को सिलेबस को देखा है, या फिर अगर आप बात करें किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की बात करें, जैसे आरपीएससी की बात करें, एचपीपीएससी की बात करें, यूपीपीएससी की बात करें, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको जितने भी स्टेट लेवल के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आते हैं, तो खासकर ये वाला जो जियोग्राफी का पोर्शन है उन वाले एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा भी जाता है. उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करें तो उसके अंदर भी आपको इंडिया का जियोग्राफी देखने को मिलेगा. उसके अंदर आपको यहाँ पर रिवर्स का एक मेन यहाँ पर पोर्शन हो जाता है जियोग्राफी का, तो उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प पहुँचने वाली है. जितने भी यहाँ पे मैं आप सभी को ये पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बने हैं जिनको मैंने खुद बनाया. उसके बाद मैं आप सभी को यहाँ पे टाइप करके आप सभी के लिए, यानी आंखें जला के आप सभी के लिए मैप के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ. एंड डियर लर्नर, आई थॉट कि अब मुझे क्विट करना चाहिए, एंड वेरी सून शायद मैं क्विट कर दूँ. अब यहाँ पर आपको लेक्चर ना देखने को मिले, बिकॉज कई अरसे से यहाँ पर लगभग एक साल से मैं लगातार यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो बॉडी भी अब यहाँ पर साथ देना छोड़ गई है. अगर यहाँ पे स्पोर्ट इस प्रकार की रही, क्योंकि फ़र्क तो यहाँ पे मुझे स्पोर्ट से कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप चार पांच भी यहाँ पे अटेंड करते तो मेरा जो मिशन है, मोटिव है, वो पूरा हो जाता है. कभी आप एक बार ये सोच के ज़रा देखना कि अगर सर पांच स्टूडेंट्स के लिए इतनी जी जान तोड़ मेहनत करते हैं, अगर सर के पास हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स होते तो यहाँ पर प्रिपरेशन लेवल किस लेवल पर होता, तो ये बात पर भी आप ज़रा गौर फरमाएँ. आई थॉट कि आई शुड क्विट नाउ, अब मुझे यहाँ पे क्विट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए YouTube को फॉर सम टाइम. तो हो सकता है अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाए कि क्विट करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका ये जियोग्राफी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर दूंगा. लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ट्राई करूँगा कि आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ जियोग्राफी या पॉलिटी का कोई पोर्शन आपको पढ़ाता रहूँ, ताकि आप सभी को एक लेक्चर्स मिलती रहे. सो डियर लर्नर, यहाँ तक हम सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, और पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू सभी ने अटेंड करा है. जितने भी स्टूडेंट अभी यहाँ पे हैं, तो ये मैं मानकर चलता हूँ कि आप सभी ने पहले वाले पार्ट को, सेकंड पार्ट को, जो गंगा रिवर सिस्टम के हैं, उन सभी को आपने अटेंड करा है. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट पार्ट, सो मस्ट गो इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लिंक लें. उन डिस्क्रिप्शन के थ्रू यहाँ पे आप उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उन लेक्चर्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा रिवर्स कवर हो जाएंगे. नाउ इन दिस लेक्चर, आज हम यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर यहाँ पर इसकी बात करें, जिसको सौरव आप यहाँ पर क्या कहा जाता है, सौरव बिहार यानी कोसी रिवर को कहा जाता है, उनकी भी बात करेंगे. राम गंगा रिवर कहाँ से निकलता है, कहाँ इसका कन्फ्लेशन यहाँ पे अरबियन सी या गंगा के अंदर होता है, वो सभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को पता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की बात करें तो ये जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की, ये सभी के सभी हिमालयन रीजन से निकलती हैं. तो ये बात आपको यहाँ पे माइंड में रखना है, क्योंकि जब हमने बात करी थी यमुना की बात करी थी, तो यमुना के अंदर आप एक यमुना इट्सेल्फ इज़ ए, यू नो, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, जिसके अंदर आपको यमुना के अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे रिवर्स मिलते हैं, जो एक बड़े रिवर यमुना को बनाते हैं. और यमुना जब इलाहाबाद में गंगा के साथ मिलती है, तो वहाँ से गंगा रिवर सिस्टम एक काफ़ी अच्छा, मजबूत, काफ़ी अच्छे फ्लो वाला, वाटर वाला जो गंगा होती है रिवर, वो बन जाता है. क्योंकि हमारी गंगा अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर इसको काफ़ी पवित्र नदी भी माना जाता है, होली रिवर कहा जाता है. लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर इसके बेसिन वाली बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप रिच मिनरल्स वाला मिलेगा, जिसके अंदर आपको काफ़ी कल्टीवेशन देखने को मिलती है. उसके बाद यहाँ पे हमने यमुना रिवर की बात करी, कहाँ से निकला, कौन कौन सी यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं, वो हमने कल बात करी थी. उसके बाद अब यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें,
अगर द मेजर ट्रिब्यूटरी अपार्ट फ्रॉम यमुना, बात करें यमुना के अलावा जो दूसरी ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना की सारी ट्रिब्यूटरीज को हमने फिनिश कर दिया। जैसे उसके अलावा बात करें रामगंगा की, बात करें गोमती की, बात करें घाघरा की, बात करें गंडक की, बात करें बूढ़ी गंडक की, बात करें बागमती की, बात करें कोसी रिवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है कोसी रिवर और बागमती, या घाघरा गोमती रामगंगा, इन सभी के बारे में वन बाय वन आज हम देखेंगे। और जनरली हम अपना टाइम दूसरे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट्स नहीं है उनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उनमें हम उन्हीं पॉइंट्स पे जनरली स्टडी करेंगे, जनरली पढ़ेंगे जो हमारे कंपिटेटिव लेवल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर जो एनालिसिस करके अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखें तो जो उनके अंदर जो जिस वाले पोर्शन के अंदर से ज़्यादा कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रामगंगा रिवर की बात करें, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, बात करें ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ से ये रामगंगा रिवर निकलती है। उसके बाद बात करें ये कहाँ पे, जो अगर बात करें ये प्लेन में जब जाती है, इंटर्स गंगा प्लेन, तो वो जहाँ पे ये गंगा प्लेन के अंदर इंटर होती है तो वो कालागढ़ जगह का नाम है जहाँ पे रामगंगा रिवर पहाड़ों से उतर कर प्लेन्स के अंदर पहुँचती है। बात करें ये फाइनली यहाँ पे कन्नौज के अंदर गंगा रिवर को मिल जाती है, ये रिवर जो है रामगंगा रिवर, फाइनली इस रिवर की बात करें, दरिया की बात करें, तो ये गंगा रिवर में कहाँ पे मर्ज होता है, तो जो कन्नौज एरिया है वहाँ पे जाके ये फाइनली गंगा के साथ मिल जाते हैं। उसके बाद जो बेरली सिटी है इसके राइट बैंक पे सिचुएट होती है, बात करें इसके किनारे पे सिचुएट करती है, तो ये यहाँ पे आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा गया यूपी या स्टेट लेवल का, या आप फिर बिहार की बात करें, या फिर अगर बात उत्तराखंड की बात करें, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बेरली सिटी है वो किस बैंक ऑफ रिवर के किनारे पे सिचुएट करती है, किस रिवर के किनारे पे सिचुएट करती है, तो आपको ये कहना है कि रिवर जो राम गंगा है। उसके बाद द कोहो, द गगन, द अरिल, द कोसी, द दोहोवा, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, गोरा भी कहते हैं, उसके बाद ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रामगंगा की। अभी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, द कोहो, द गंगन, द एरिल, द कोसी एंड द दिहो, जिसको गोरा भी कहा जाता है, ये आपको रामगंगा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे हमने राप्ती की बात करी थी, घाघरा की बात करेंगे, तो ये यहाँ से निकलता है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, ये आपकी रामगंगा है जो गंगटिक प्लेन से, जो गंगा रिवर है उसके प्लेन से होते हुए जाती है, और यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा इटावा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और फाइनली जाके यहाँ पे कन्नौज के अंदर यहाँ पे गंगा रिवर के अंदर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे गोमती की बात करेंगे, गोमती रिवर भी हम अभी बात करने वाले हैं। उसके बाद कल हमने यहाँ पे चंबल रिवर की बात करी थी, यमुना रिवर की बात करी थी, उसके बाद यहाँ पे आज हम गोमती रिवर की बात करेंगे, घाघरा रिवर की बात करेंगे, किस तरीके से ये गंगा रिवर के अंदर मिलते हैं, और यहाँ पे गंडक रिवर आप देख लें तो यहाँ पे गंडक रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो भी आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो ये सभी रिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आप रामगंगा, गोमती, और जो मैंने यहाँ पे आपको कोसी वगैरह जिनकी भी नाम लिया है, गंडक, बूढ़ी गंडक, इन सभी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, सबसे पहले गोमती रिवर की बात करें, और गोमती रिवर का मैंने आपको यहाँ पे मैप दिखा दिया कि किस तरीके से जो गोमती रिवर है वो यहाँ पे ट्रेवल करता है और कहाँ से निकलता है, ये सभी हम बात करेंगे। उसके बाद किस जगह पे ये गोमती रिवर गंगा के अंदर मिलता है, इसकी भी बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे गोमती रिवर की बात करें तो गोमती रिवर यहाँ पे गोमत तल यहाँ पे जगह का नाम है, जो एक झील भी है जिसको फोलेर झील के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पे, ये माधव तांडा पीलीभीत जो यूपी के अंदर एक जगह है वहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है। अब यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी किसी को भी यहाँ तक इतना डीप नहीं पता होता है, लेकिन अगर आपको सटीक जगह का नाम मिल जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अगर आपको नहीं रहे तो स्टेट का नाम आप याद रखें क्योंकि इंटरव्यू के अंदर काफ़ी हद तक इसकी आपको हेल्प पहुँच सकती है। बात करें गोमती रिवर की बात करें तो जो गोमती रिवर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से निकलता है, और यहाँ पे जिस जगह से निकलता है उसका नाम फुलेर झील, या इसको गोमत तल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे पीलीभीत जो जगह का नाम है यूपी में वहाँ से निकलता है। बात करें इसके एक्सटेंडेशन की बात करें तो 900 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और जब तक ये यूपी में गंगा रिवर जो गाजीपुर में गंगा रिवर के साथ मिलता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये यहाँ पे गोमती रिवर गंगा को कहाँ पे गैंग्स के अंदर कहाँ पे कब मिलता है, तो जो बात करें गाजीपुर की, अगर इसके टोटल लेंथ की यहाँ तक बात करें तो 900 किलोमीटर के बाद ये यूपी में जाके
गैंग्स जो रिवर सिस्टम है, ये गैंग्स है, गंगा है जिसके अंदर ये मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एट द संगम ऑफ गोमती एंड गंगा, जहाँ पे इन दोनों का संगम यानी मिलाप होता है, तो उसको यहाँ पे एक फेमस आपको यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेगा। और वो मंदिर किसका बनाया गया, मार्कंडेय महादेव टेम्पल, यहाँ पे महादेव टेम्पल, यहाँ पे मार्कंडेय महादेव टेम्पल यहाँ पे सिचुएट है इन दोनों के संगम पे, कन्फ्लुएशन पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ पे इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें, यहाँ पे अगर गोमती रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो साई रिवर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे जौनपुर जो जगह का नाम है ये यहाँ पे इसको क्या करती है, मीट करती है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज इसके किनारे आपको देखने को मिलेगी, जैसे बात करें लखनऊ सिटी, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं ये गोमती रिवर के किनारे पे सिचुएट हैं। उसके बाद ये यहाँ पे रिवर जो है वो जौनपुर सिटी को यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जौनपुर सिटी को कौन सा रिवर दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, दो इक्वल हेल्व्स के अंदर डिवाइड करता है, तो वो आपका गोमती रिवर है। उसके बाद यहाँ पे घाघरा रिवर की बात करें, अगर घाघरा रिवर की बात करें तो यहाँ पे ये किस ग्लेशियर से निकलता है, जहाँ से ये घाघरा रिवर ओरिजिनेट होता है उसका नाम है मापचा चुंगो, मापचा चुंगो, मापा मैप चाचू चुंग नुंगो, या सिंपल से इसको कहोगे आप मैप चा चुंगो। यहाँ पे इस ग्लेशियर का नाम है, जो यहाँ से ग्लेशियर से घाघरा रिवर निकलता है। अब बात करें यहाँ पे कहाँ पे है ये करनाली, या इसको नाम की बात करें कोरलिया भी कहा जाता है। ये जो ट्रांस बाउंड्री है इंडिया और यहाँ पे तिब्बत की बात करें, तो वहाँ से ये आपको जो मानसरोवर लेक है वहाँ से ये रिवर आपको निकलते हुए देखने को मिलता है, और ये पर्नियल रिवर के अंदर आता है। इट मीन साल भर इसके अंदर आपको यहाँ पे इसके पानी आपको देखने को मिलेगा, फ्लो देखने को मिलेगा। अब इस रिवर की बात करें तो नेपाल को इसके अंदर कर्णाली के नाम से जाना जाता है, इट इज़ नोन एज कर्णाली इन वेस्टर्न नेपाल। अगर बात करें आप वेस्टर्न नेपाल की बात करें तो यहाँ पे घाघरा रिवर को कर्णाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसकी शारदा आपको इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, देखो यहाँ पे ये शारदा आपको इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके बाद राप्ती यहाँ पे इसके अंदर मिलेगी आपको, उसके बाद सरजूरपुर, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसके अंदर आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बात करें द शारदा द सरजू, इसको अयोध्या इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, बात करें किस रिवर के किनारे पे अयोध्या लोकेट है, तो द सरजू काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। द सरजू अयोध्या इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक एंड द राप्ती रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद घाघरा कहाँ पे गंगा को ज्वाइन करता है, तो ये कुछ ही किलोमीटर यहाँ पे बिहार के अंदर जगह का नाम है जो डाउन स्ट्रीम में जाती है, यानी यहाँ पे आपको यहाँ पे उतराई देखने को मिलेगी, थोड़ा सा स्लोपी रीजन आपको देखने को मिलेगा, जिस जगह का नाम क्या है छापरा, छापरा बिहार के अंदर है। यहाँ पे घाघरा रिवर गंगा रिवर के अंदर यानी संगम, इन दोनों का संगम है। बात करें जैसे ही ये रिवर घाघरा रिवर प्लेन एरिया के अंदर पहुँचता है, जिसकी स्ट्रीम है वो दो यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक का नाम है कोरियाब और दूसरे का नाम है यहाँ पे गारवा, गेरवा और यहाँ पे कोरियाब, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स के अंदर ये घाघरा रिवर डिवाइड हो जाता है। अगर इस रिवर के बेड की बात करें तो ज़्यादा इसके अंदर आपको सैंड डिपोजिशन देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको बैंड स्टार्ट ऑकरिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करें इस रिवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लड फ्रिक्वेंसी के चांसेस रहते हैं, जो यहाँ पे इस रिवर के कोर्स के साथ साथ काफ़ी टाइम यहाँ पे इसके कोर्स के अंदर बदलाव देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी बार फ्लड के कारण यहाँ पे रेत ज़्यादा भर जाती है, उसके बाद रिवर अपना रास्ते को चेंज कर देता है। और हमने पढ़ा था एंटीसिडेंट ड्रेनेज का मतलब, अगर आप जम्मू कश्मीर के इकलौते ऐसे दरिया की बात करें जिसके अंदर आपको यहाँ पे एंटीसिडेंट यहाँ पे इसका ड्रेनेज देखने को मिलेगा, वो आपका चिनाब रिवर है, और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया है। कभी भी आपको पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर का या हिमालयन रीजन का कौन सा ऐसा रिवर है जिसको एंटीसिडेंट ड्रेनेज था जिसका, तो वो आपका चिनाब है, तो ये आप अच्छे से अगर आपके पास नोटबुक है तो उसको आप लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मैप समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपका मानसरोवर लेक है जहाँ से आपको घाघरा रिवर की ओरिजिनेशन देखने को मिलता है, ये नेपाल का वेस्टर्न वाला पार्ट है जिसके अंदर इसको कर्णाली रिवर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे इस पहाड़ के साथ यहाँ पे मानसरोवर के पास गुरला मंधाता पीक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको काली सिंध रिवर ये देखने को मिलेगा, ये काली रिवर या काली शारदा रिवर जिसको कहते हैं, जिसकी बात हमने अभी बात करी,
उसके बाद यहाँ पे नेपाल के बहरी जगह से यहाँ पे आपको जो गंडक रिवर है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपको ताप्ती रिवर की यहाँ पे आपको ओरिजिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये सभी सभी घाघरा रिवर को बनाते हैं और बाद में ये जाके दो स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे काली रिवर या शारदा रिवर की बात करें, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी भी है। बात करें यहाँ पे काली रिवर या शारदा रिवर की बात करें तो शारदा रिवर ये जो राइज होता है ये किस ग्लेशियर से निकलता है, तो यहाँ पे स्पेलिंग सेम होती है आपको, शारदा भी कई बार इसको कहा जाता है और शारदा भी कहा जाता है। शारदा रिवर की बात करें तो ये यहाँ पे जो मिलाम ग्लेशियर है नेपाल हिमालयाज के अंदर, वहाँ से ये क्या निकलती है, ये रिवर आपको निकलता है और इसको यहाँ पे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। विच रिवर इज नोन एज द गौरी गंगा नेपाल, तो वो आपका है काली रिवर या इसको शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें यहाँ पे शारदा रिवर जो ओरिजिनेट होता है वो ग्रेटर हिमालय रीजन के अंदर से ओरिजिनेट होता है और जहाँ से ये निकलता है वहाँ का नाम क्या है, काला पानी। और यहाँ पे काला पानी की जो हाइट बात करें सी लेवल से लगभग यहाँ पे आपको 3600 मीटर आपको यहाँ पे सी लेवल से इसकी हाइट देखने को मिलेगी, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड के अंदर भी आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। बात करें काला पानी की बात करें तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो टूर होता है, जो पिलग्रिमेज यात्रा जाती है, उसके रास्ते में आपको ये देखने को मिलेगा। और इसका नाम यहाँ पे काली रिवर कैसे बना, क्योंकि ये रिवर महाकाली नेपाल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको बात करी कि ये गॉडेस काली, मैंने कल के लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक इंडिकेशन दिया था कि गॉडेस काली यहाँ पे उनके नाम से इसको काली रिवर दिया गया है, जिनका टेम्पल यहाँ पे काली पानी जो जगह है काला पानी वहाँ पे बनाया गया है। लिपू लेक यहाँ पे इसके पास में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से काली रिवर शारदा रिवर निकलता है वहाँ पे कौन सा मंदिर है, तो काली माता का मंदिर है। उसके बाद यहाँ पे काला पानी के पास कौन सी लेक है, तो लिपू लेक यहाँ पे आपको जो इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद द रिवर बॉर्डर्स द नेपाली महाकाली जोन, आप सभी को बता दूं कि नेपाल के अंदर आपको ये जोन वाइज एरिया डिवाइड हो देखने को मिलता है। इसी तरीके से ये रिवर क्या बनाता है, जो नेपाली महाकाली जोन है उत्तराखंड के से ये इसको सेपरेट करता है। उसके बाद ये रिवर यहाँ पे गॉड सेक्शन इन द अप्पर रीजन फ्लो करता है। महाकाली की बात करें इट्स डिसेंडेंट इन टू द प्लेन्स, और जब ये कहाँ पर उतरता है, प्लेन्स के अंदर उतरता है। इंडिया इज़ नॉन एज इसको इंडिया के अंदर शारदा के नाम से जाना जाता है, जो बाद में जाके घाघरा रिवर में मिल जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे था। अभी मैं आपको एक बार फिर से, ये छोटा सा रिवर सिस्टम है, ये हमने कल बात करी थी काली सिंध की बात करी थी, बानस की बात करी थी, परावती की बात करी थी, सिंध की बात करी थी, बेटवा की बात करी थी, टॉन्स की बात करी थी, अरिहंत की बात करी थी, सन रिवर की बात करी थी, यमुना की बात करी थी, गंगा की बात करी, भागीरथी अलकनंदा की कन्फ्लेक्शन से आज हमने शारदा की बात करी, घाघरा की बात करी, अब हम गंडक और कोसी और यहाँ पे उरी गंडक की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, और दामोदर ये हमने कल बात कर दी थी। अब यहाँ पे गंडक रिवर की बात करें तो ये यहाँ पे आपको यूनियन ऑफ द काली एंड तरसूली रिवर, ये दो रिवर के मिलाप से यहाँ पे गंडक रिवर बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो ग्रेटर हिमालयन रेंज इन नेपाल से ओरिजिनेट होता है। बात करें यहाँ पे कौन से दो रिवर, यहाँ पे काली और दूसरा तरसूली रिवर इसके अंदर मिलता है। अगर इसके जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंडियन बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलेगा और इसको यहाँ पे नारायणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जब गंगा के अंदर रिवर के अंदर ये मर्ज करता है, जो पटना के अपोजिट में आता है और जिस जगह पे ये गंगा से कन्फ्लुएंस करता, संगम को क्रिएट करता, उस जगह का नाम है सोनीपुर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार पीएससी एग्जाम के लिए, सोनीपुर के अंदर ये रिवर जो गंगा के अंदर मिलता है गंडक रिवर। उसके बाद इसके अंदर आपको एक भूरी गंडक आपको देखने को मिलेगा, जिसके पैरेलल में फ्लो करती है, ईस्ट ऑफ द गंडक रिवर के पैरेलल, और किस साइड पे, ईस्टर्न साइड ऑफ गंडक रिवर के पैरेलल में ये जो रिवर है ये भी फ्लो करता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अगर इसके अपर कैचमेंट एरिया की बात करें तो वो आपको ब्लीक देखने को मिलेगा, डिसोलेट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको रेन शेडो एरिया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया की बात करें तो काफ़ी आपको ब्लीक इट मीन स्टीप यहाँ पे इसकी आपको पाथ आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे रेनी शेडो एरिया देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरली बात करें क्लाउड्स के साथ बादल पूरे ढके रहते हैं, जो हिमालय रेंज के अंदर आता है। उसके बाद द मिडल एंड, इसके लोअर कोर्स या मिडल कोर्स की बात करें इस रिवर के, तो वहाँ पे आपको वी शेप्ड की वैलीज देखने को मिलेंगी, इस प्रकार की वी शेप्ड की वैलीज देखने को मिलेगी, और इसके बीच में ये वाटर क्या होता है, फ्लो होता है। तो वी शेप्ड वैली आपको देखने को मिलेगी, जो क्या क्रिएट करता है, जो यहाँ पे इनसाइज्ड मेनाडार्स को क्रिएट करता है, और उसके बाद अनपेयर टेरस
दोनों साइड इसके क्रिएट करता है। तो काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये भी था। अब यहाँ पे आपको फिर से मैं एक मैप की बात करूँगा, क्योंकि जितना जल्दी आप मैप को समझेंगे उतना जल्दी आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और हर एक लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए लाता हूँ। तो आप बात करें यहाँ पे गंडक रिवर, हमने यहाँ पे बात करी, यहाँ तक तो बात कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे बूढ़ी गंडक की बात करें, उसके बाद बागमती की बात करेंगे, कराचा, उसके बाद मधुबनी, कोसी रिवर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूर्णिया रिवर, घूरी, यहाँ पे महान नदा, उसके बाद कोनकाई। तो यहाँ पे इन सभी की बात करेंगे जो यहाँ पे किसके राइट नहीं तो लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। तो यहाँ पे इस मैप को एक बार फिर से समझें, और अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भूरी गंडक रिवर की बात करें, इसकी लगभग पूरे लेंथ की बात करें तो ये 300 किलोमीटर लंबी कोर्स को बनाता है, और जहाँ से ये रिवर निकलता है उस जगह का नाम है चौतारवा चौवर। यहाँ पे जगह का नाम है जो विषम्बरपुर, यहाँ पे जगह का नाम है वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट का बिहार। ये रिवर भूरी गंडक बिहार के अंदर से निकलता है, और जहाँ से ये निकलता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम चंपारण है, और विषम्बरपुर यहाँ पे जगह का नाम है जहाँ से ये निकलता है, चौतारवा चौवर यहाँ पे जगह का नाम है। इटेंशली यहाँ पे आपको ये फ्लो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फ्लो होता है ईस्टर्न साइड। उसके बाद आफ्टर फ्लोइंग डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर, जब ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर फ्लो करता है तो 56 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये रिवर यहाँ पे सोत साइड के लिए मुड़ जाता है, और यहाँ से दो रिवर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एक रिवर आपको मिलेगा दू भरा और दूसरा आपको द टोर रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये रिवर आपको सोत ईस्टर्ली डायरेक्शन में ये फिर से आपको फ्लो होते हुए देखने को मिलेंगे। जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है उस रिवर यानी 32 किलोमीटर तक यहाँ पे आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये जो गंडक रिवर है इसके ईस्ट में फ्लो करता है, जिसका ओल्ड चैनल भी माना जाता है, और हमने यहाँ पे गंडक रिवर की जब बात करी थी उसके अंदर भी मैंने इसकी बात करी। अब इसकी मेन ट्रिब्यूटरी की बात करें तो भूरी गंडक की जो वो है मासान, बलोर, पंडाई, सीखता, तालवे, ताऊर, धनवती, कोरा और डांडा यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। आई रिपीट, मासन, बेलोर, पंडाई, सिकता, तालवे, ताऊर, धनावती, कोरा और डांडा यहाँ पे इसकी आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे इसके अंदर आपको समित सुपुर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी इसके ऊपर नाम लार्ज नाम मीडियम प्रोजेक्ट आपको इसके भूरी गंडक रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये रिवर यहाँ पे भूरी गंडक था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कोसी रिवर, इसको बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। बात करें कोसी रिवर के अंदर आपको 7 स्ट्रीम्स देखने को मिलती है। किसी लिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर आपको 7 स्ट्रीम्स यहाँ पे इसके अंदर मिलती है। बात करें सुत कोसी, तांबा कोसी, टहलका, दूध कोसी, बोतिया कोसी, अरुण एंड टैम्बर कोसी यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलते हुए देखने को मिलती है। इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है, आका सप्तकोशी कहा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका नाम है। इन स्ट्रीम्स की बात करें ये ईस्टर्न नेपाल के अंदर फ्लो करती है, विच इज़ नॉन एज द सप्तकोशिक रीजन। बात करें जिस रीजन के अंदर ये 7 स्ट्रीम्स इसकी फ्लो करती हैं उस वाले रीजन को सप्तकोशिक रीजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सप्तकोशिक रीजन यहाँ पे क्यों कहा जाता है, कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। टोटल इसके रिवर की बात करें 729 किलोमीटर लॉन्ग रिवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की, आफ्टर बात करें यमुना की। उसके बाद ये एक लंबी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी लार्जेस्ट, जिसका टोटल यहाँ पे 729 किलोमीटर लेंथ आपको देखने को मिलेगी। और ये गंगा में कहाँ पे ज्वाइन करती है, कुर्सेला जो काठियार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये क्या करती है, गंगा के अंदर मिलती है। बात करें हाईएस्ट पीक की बात करें वर्ल्ड के अंदर जो माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद कंचनजंगा की बात करें, ये कोसी कैचमेंट एरिया के अंदर आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, स्टार मार्क आप इसको भी कर सकते हैं कि बात करें हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा की बात करें तो ये किस कैचमेंट रिवर के अंदर आते हैं, कोसी के अंदर आते हैं। उसके बाद बागमती ये नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है कोसी रिवर की। बात करें लास्ट 250 साल पहले की बात करें तो कोसी रिवर ने अपना यहाँ पे कोर्स शिफ्ट करके यहाँ पे 120 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो काफ़ी इसने अपने रूट को चेंज करा है, कोर्स को चेंज करा है। लगभग यहाँ पे ईस्ट 120 किलोमीटर से लेके यहाँ पे इसने ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड ये गई है, यहाँ पे ईस्ट आ गया और यही वेस्टर्न साइड ये गई है।
जिसका मतलब इसने काफ़ी अपने रूट को चेंज करा है और इसका अनस्टेबल नेचर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा हैवी सिल्ट्स देखने को मिलती है और हैवी सिल्ट के कारण जो आपको यहाँ पर इसका बेड होगा वो भर जाता है और जिसके कारण ये अपने पाथ को चेंज कर देती है और ड्यूरिंग द मानसून काफ़ी यहाँ पर फ्लड्स आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कौन सा रिवर है जिसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, तो वो आपको ये याद रखना है कि सौरा बिहार कोसी रिवर को कहा जाता है। उसके बाद इस रिवर की बात करें, इसके अंदर आपको तराई ऑफ नेपाल जो रिवर है इसके अंदर आपको इंटर होते हुए देखने को मिलेगा आफ्टर कटिंग नैरो गॉर्ज, एक बहुत ही स्टीप गॉर्ज को यहाँ पे काटता, पहाड़ को काटता है, जिसको महाभारत रेंज कहा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, कभी भी आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि महाभारत रेंज किस कंट्री के अंदर लाई करता है, तो आपको नेपाल बताना है। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे कोर्सिला के अंदर कोसी ज्वाइन करती है गंगा को, उसके बाद जैसे ही ये कोसी में मिलता है और ये रिवर थोड़ा स्लगिश बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लार्ज स्केल में डिपोजिशन देखने को मिलेगी सैंड की या एरोडेड जो मटेरियल होते हैं, जैसे सॉइल की बात करें, यहाँ पे सैंड की बात करें, बोल्डर की बात करें, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इस रिवर का जो बेड, इसके अंदर आपको काफ़ी कोर्स देखने को मिलेंगे, एग्रीगेट देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पे डिवेस्टेटिंग फ्लड्स को कास करता है और यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रैक को मीन्स कास करता है, कन्वर्टेड करता है, जिस तरीके से आपने देखा कि 120 किलोमीटर इसने ईस्ट से वेस्टर्न साइड अपनी लेंथ को या अपनी बात करें रूट को चेंज करा है, वो ड्यू टू यहाँ पे ज़्यादा जब यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो जाती है उसके कारण, इसीलिए इस रिवर को सौरा बिहार भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बात करी। बात करें इन ऑर्डर टू टैम दिस रिवर, इस रिवर के फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर एक बैराज कंस्ट्रक्ट करा गया, और मैंने आपको बताया था डैम और बैराज के अंदर क्या फ़र्क है या वियर के अंदर फ़र्क है। डैम को यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है, इरिगेशन के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो बैराज प्रोवाइड करा जाता है, एक फाटक होता है जिसके कारण आप उस रिवर के या उस डैम के वाटर को या उस रिजर्वायर के वाटर को यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे डाइवर्ट करके कैनाल के अंदर भेजते हो। तो ये जो बैरेज इसके ऊपर बनाया गया है जिसका नाम हनुमान नगर के अंदर, ये नेपाल के अंदर है, ये 1965 के अंदर इसको बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको एम्बैकमेंट्स देखने को मिलेंगे जो फ्लड कंट्रोल के लिए बनाए गए हैं, और ये यहाँ पे जॉइंट वेंचर के अंदर इंडिया और नेपाल के दोनों के कॉम्बिनेशन से इन एम्बैकमेंट्स को बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर जो कोसी रिवर था, इसी के साथ हमारे पूरे गंगा रिवर सिस्टम को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप इट वॉज बेनिफिशियल लेक्चर एंड बेनिफिशियल गंगा रिवर सिस्टम का जो मटीरियल आपको इस वीडियो के थ्रू मिला है वो काफ़ी आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा। बात करेंगे अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर किसके बाद, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। लगभग अभी तक हमने मोस्टली रिवर्स को कवर कर दिया, और अगर आपको लगता है कि सर से किसी भी रिवर के बारे में अभी छूट गया तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि सर इस रिवर के बारे में पढ़ाएं। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी तक यहाँ पे आपको पढ़ाया, अभी तक मैंने अपने ओर से पूरी कोशिश करी है कि कोई भी रिवर आपका ना छूटे और हम अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को दे पाएँ। उसके बाद जो स्टूडेंट यहाँ पे हमसे नेवली जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट की लेक्चर सभी आने वाली हैं, उसके बाद पंचायत लेक्चर आपको दो तीन दिन के अंदर देखने को मिलेगी। तो इन सभी लेक्चर्स का आप बेनिफिट उठाएं, ग्रामर आपके पास मिल रहा है, ऊपर से समर्पण बैच की शुरुआत हो सकती है अगर क्विट नहीं करा, और अगर क्विट कर दिया तो फिर राम भरोसे, खुद ही देख लेना। सो आई होप कि आप सभी के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल रही होगी, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करा आप सभी ने एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरों के साथ अगर कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हर एक टीचर अपना बेस्ट देता है। डियर लर्नर, मैं 5 स्टूडेंट्स के लिए भी अपने जी जान तोड़ मेहनत करता हूँ, और अगर हज़ारों के हिसाब से होंगे तो शायद इसके अंदर और काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलेगा जो मेरी प्रिपरेशन को आपको पढ़ाने के अंदर और ज़्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए इट्स योर ड्यूटी कि आप यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्प करें, क्योंकि जितनी फैमिली बढ़ेगी उतना मोटिवेशन मिलेगा, क्विट करने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। तो डेफिनेटली ट्राई करें कि हम दूसरे स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको PDF हर एक चीज़, एक टीचर यहाँ पे इतना कुछ कर रहा है तो आप सभी कितना कर सकते हैं। सो यू कैन हेल्प मी, आप अगर आप करना चाहें, फोर्स किसी को नहीं है मेरी ओर से कि आप मेरे को हेल्प करें ही करें, यह आपकी मर्जी है, यह आपका आपका पर्सपेक्टिव है, आपका नज़रिया है कि किस तरीके से आपको हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम ब्राइट आविष्कार। थैंक यू वेरी मच।